साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनलों में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसको देखना और सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग यह ध्यान रखें कि कोई भी वीडियो जब देखते हैं तो बीच में ही न काटें, उसे पूर्णतः देख लें, यानी उस वीडियो डाले गए जो हैं उसका क्या अर्थ है, उससे हमें क्या जानकारी मिलेगी वो अंत तक देखने से ही पता चलेगा। अन्यथा यदि बीच में स्किप कर देंगे, आधे पर छोड़ देंगे, तो आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो हमने आपके पास पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस प्रयत्न को साफ सार्थक बनाएं, अपने सीखें और अपने इष्ट मित्रों को भी सिखाएं, ताकि यह वीडियो जो मैं डालता हूँ अन्य पुस्तक अन्य ग्रंथों अन्य दर्पण से लेकर के, उसमें मेरा परिश्रम भी होता है। मेरा यही तभी सार्थक होगा ये मेरा परिश्रम, जब आप इसको पूर्ण रूप से देख लेंगे और सीख लेंगे। मेरा कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है, मेरा यही अभिप्राय है कि हमारे गांव देहात में बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो इन छोटे मोटे बातों को नहीं जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि मेरे वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो निश्चित ही बहुत हमारे पंडित समाज या अन्य कोई भी भाई हों इन सब ज्योतिष के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और उनको सीखने का मौका भी मिल जाएगा। वो भ्रम में नहीं पड़ेंगे और वे व्यक्ति ज्योतिष के में जो हमारे कुछ ब्राह्मण समूह के लोग हैं जो अंधविश्वास में डालते रहते हैं उससे आप दूर हो जाएंगे। तो हम लोग आज सीखेंगे आयन के बारे में, यानी आयन क्या होता है, आयन का क्या अर्थ होता है। जैसे आप लोग सुनते हैं सूर्य जो हैं उत्तरायण हो गए हैं, सूर्य दक्षिणायन हो गए हैं, तो ये कैसे होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसे हम लोग सीखें और समझें। आइए हम लोग देर नहीं करें, आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या चर्चा करते हैं विषय वस्तु पर नहीं जाते हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पर। आयन, आयन का अर्थ क्या होता है, आयन का अर्थ होता है चलना। सीधे तौर पर समझें कि चलना, हम जानते हैं कि इस भचक्र में पूरे वर्ष में सूर्य गतिमान रहता है। भचक्र यानी ब्रह्मांड समझेंगे आप। सूर्य की अवस्था से ही ऋतुओं का निर्धारण होता है। हिंदू धर्म में आयन एक समय की प्रणाली है जिसमें ऋतुओं का ज्ञान होता है। क्रांति वृत्त में दो आयन माने गए हैं, एक है उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन, यानी सूर्य की स्थिति के अनुसार वर्ष के आधे भाग को एक आयन कहते हैं। यानी कोई एक बिंदु पर यहाँ पर हैं, यहाँ पर सूर्य है, तो इसके इस तरफ दाहिने भाग तरफ दक्षिणायन माना जाएगा और उत्तरी भाग तरफ उत्तरायण माना जाएगा। तो उस बिंदु से जब दक्षिण तरफ सूरज चले जाते हैं, अब देखिए यदि सूर्य के उत्तर दिशा में आयन अर्थात चलना गमन करना को उत्तरायण कहा जाता है। दक्षिणायन सूर्य के दक्षिण दिशा में आयन करने अर्थात गमन करने चले जाने चलने की प्रक्रिया को चलने की गति को दक्षिणायन कहा जाता है। अब समझ गए, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य रहते हैं तो उत्तरायण और दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं तो दक्षिणायन कहा जाता है।
तो हम लोग ये देखते हैं कि सूर्य जो हैं अपने बिंदु के दाहिने चले जाते हैं, पूर्वाभिमुख आप यदि खड़ा हो जाते हैं तो यदि दाहिने तरफ यदि सूर्य चले गए हैं अपने बिंदु से, तो समझें कि वो दक्षिणायन चले गए हैं, और बाएं तरफ चले गए हैं तो समझें कि उत्तरायण चले गए हैं। अब इस प्रकार हम लोग देखें, सूर्य को दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में जाते समय सूर्य का केंद्र आकाश के जिस बिंदु पर रहता है उसे बसंत विषुव कहते हैं। यह बिंदु तारों के जैसा स्थिर नहीं है, यह धीरे धीरे खिसकता रहता है। यह इसी खिसकने की अवस्था को विषुव आयन या संक्षेप में केवल आयन कहते हैं। बसंत विषुव से चलकर और एक चक्कर लगाकर जितने समय में जितने काल में सूर्य फिर वहीं लौटता है उतने समय को एक सायन वर्ष कहते हैं। किसी तारे से चलकर सूर्य के वहीं लौटने को नक्षत्र वर्ष कहते हैं। इस प्रकार समझें कि विषुव वर्ष चलता न तो सायन और नक्षत्र वर्ष बराबर नहीं होते। आयन के कारण दोनों वर्षों में कुछ मिनटों का अंतर पाया जाता है। आधुनिक नाप के अनुसार औसत नक्षत्र वर्ष का मान 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.6 सेकेंड के लगभग होता है, और सायन वर्ष का मान 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46.056 सेकेंड के लगभग होता है। सायन वर्ष के अनुसार ही हमें व्यवहारिक वर्ष रखना चाहिए, अन्यथा वर्ष का आरंभ सदा एक ऋतु में नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे देश में 365.2422 दिनों का सायन वर्ष अपनाया गया है। साथियों, हम इस आयन की चर्चा आप लोगों के सामने किए हैं ताकि आप लोग उत्तरायण और दक्षिणायन का अर्थ समझ जाएं और आपको कठिनाई ना हो, और समझें कि क्या आयन होता है, सूर्य की गति क्या होता है, उसको चेक चक्कर चलने में क्या समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, एक सायन किसे कहते हैं, बसंत विषुव किसे कहते हैं। इस सब को हमें समझना ज्योतिष भाइयों के लिए बहुत आवश्यक है। तो साथियों, यदि अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।